Assalamu alaikum. Dear students, today we are in the lecture number 10 of the Database Management System course. In the previous lecture, we studied an important structure of the ER data model, and that was relationship. We studied what is a relationship, and then we discussed different types of the relationship, which are unary, binary, ternary, and it could go up to any level then we also discussed how to represent a relationship in the er diagram at the end of the lecture we were discussing different types of cardinalities of the relationships and we discussed that there are four different types of cardinalities that are one to one one to many many to one and many to many and we also discussed that one to many and many to one they are same thing but Basically, they are viewed from two different angles. Otherwise, the main types are one to one, one to many, and many to many. Today, we are going to discuss further about the cardinalities and some other properties of the relationship. So, let us start today's lecture. Dear students, so far, whatever we have discussed about the cardinality, precisely speaking, that can be called. द मैक्सिमम कार्डनैलिटी डैट मीनस कि जब हम ये कहते हैं कि कार्डनीलिटी का मतलब यह है कि एक एंटी टाइप के कितने इंस्टेंसिस पॉसिबली दूसरी एंटीटी टाइप के इंस्टेंसिस के साथ रिलेट कर सकते हैं तो उस वक्त हमारी मुरादी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने इंस्टेंसिस के साथ रिलेट कर सकते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्नेलिटी की एक और टाइप जो हमारे सामने आती है वो है मिनिमम कार्डनेलिटी मिनिमम कार्डनेलिटी जाहिर है कि मैक्सिमम कार्डनैलिटी का उलट है एंड इट डिटरम्स वट इज द लोअर लेवल वट इज द मिनिमम साइड ऑफ द नंबर ऑफ इंस्टेंसिस ऑफ वन एंटी टाइप दैट कैन पॉसिबली बी रिलेटेड विद द इंस्टेंसिज ऑफ द अदर एंटी टाइप सो इट मीन्स द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द मिनिम कार्डनेलिटी इज के इट डिटरमेंज वेदर

ये वो चीजें हैं जो कि हम एक जो हमारा ई आर डिजाइन है उसमें रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीमेंटिक्स ऑफ द इन्वायरमेंट सीमेंटिक सिस्टम वहां के जो कॉन्स्ट्रेंट हैं रूल्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने ई आर डिजाइन के अंदर तो इसी डिजाइन के बेस पे अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट योर डेटाबेस तो आपके जो ये डिसीशन है माइनर हो लेकिन इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और मिसाल के तौर पर जैसे हमने बात की है मिनिमम कार्डिलिटी है वो ये डिटर्मिन करती है कि आया जो रिलेशनशिप है वह कंपल्सरी है या कि ऑप्शनल है यह एक बहुत अहम डिसीशन है क्योंकि इस पर जाके आपने अल्टीमेटली डेटाबेस को इंप्लीमेंट करना है और दूसरी बात यह कि अगर आपने इसको सही तरह से आइडेंटिफाई ना किया तो इसका नतीजा वही होगा जैसे कि मैं पहले डिटर्म कर चुका हूँ कि जब आप अपने सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके तो सर्टन सिचुएशंस को आपका जो डेवलप्ड सिस्टम है वो प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकेगा या यूं कहें कि सर्टन सिचुएशंस में आपका सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा एंड दैट ऑबियसली यू वॉन्ट लाइक एंड दैट डेफिनेटली द कस्टमर वॉन्ट लाइक एज वेल आइए आगे चलते हैं इस वक्त स्क्रीन पर आप जो मुख्तफ डाइग्राम देख रहे हैं इसमें आपके पास रिलेशनशिप की कार्डिनलिटी शो करने के तरीके दिखाए गए हैं मिसाल के तौर पे अगर आप पहले डायग्राम को देखें इसमें आपको दो एंटी टाइप नजर आ रही हैं यानी यहाँ पर आपको एक बाइनरी रिलेशनशिप नजर आ रहा है इसमें जो आपके पास एंटी टाइप्स हैं इनकी जो रेक्टेंगल्स हैं इनके साथ कुछ सिम्बल्स आपको नजर आ रहे हैं मिसाल के तौर पर जो पहली डायग्राम है इसमें जो कार्डिनलिटी शो की गई है वो है वन टू मैनी और दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें दोनों कार्डनैलिटी शो की गई हैं मैक्सिमम भी और मिनिमम भी इसमें और चीज ये देखिए कि जो इसमें से सिंबल रेक्टेंगल के बिल्कुल साथ है जो नजदीक है वो मैक्सिमम कार्डनैलिटी को शो कर रहा है और जो सिंबल निष्पादन परे है वो मिनिमम कार्डनैलिटी को शो कर रहा है इसके अलावा यह कि अगर हम पहले बात करें मैक्सिमम कार्डनैलिटी की तो मैक्सिमम कार्डिलिटी की जो है वो दो पॉसिबिलिटीज हैं या वन या मैनी अब वन को जो है वो एक सिंगल डैश से या कहें सिंगल लाइन से एक छोटी सी लाइन के साथ शो किया गया है जो कि आपको स्टूडेंट ए टाइप की जो रेक्टेंगल है उसके साथ नजर आ रही है और जो बुक की साइड पर अगर आप देखिए तो उस पे आप इसको कह सकते हैं कि एक क्रो फुट की सी फिगर बनी हुई है यानी उसमें आपको तीन आप उसमें से उसकी आप कह लें कि लाइंस कर सकते हैं एक जो स्ट्रेट लाइन जो कि रिलेशनशिप का लिंक है और आप ये देखें दूसरा एक एरो हेड टाइप बना हुआ है तो अब ये शो कर रहा है आपको जो ये फिगर है ये शो कर रही है कि जो आपके पास मैक्सिम साइड है स्टूडेंट के साइड पे वहां पर वन है और मैनी साइड जो आपको दूसरी साइड पे नजर आ रहा है जो कि बुक के साथ है वो मैनी है इसके अलावा देखिए कि जो दूसरा फिगर है इन दोनों के साथ वो आपको नजर आ रहा है जीरो दोनों साइड्स पे जीरो का मतलब ये है कि जो ये रिलेशनशिप है इसकी मिनिमम कार्डिनलिटी वो जीरो है या इसको आप ऑप्शनल कह लें ये इतफाक की बात है कि यहां पर जो आपको पहले फिगर नजर आ रही है इसमें दोनों ही ऑप्शनल है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों ही ऑप्शनल हो मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि जो इस तरह की चीजें हैं जिस तरह के मीनिंग्स हैं यू डू नॉट क्रिएट दम यू डू नॉट फिक्स यू रदर आइडेंटिफाई बिकॉज दे एग्जिस्ट देयर एंड हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैम बाई डिस्कसिंग विद द विदर्स बाय विद द यूजर ऑफ द सिस्टम जो जिसके आप आप लिए सिस्टमेस्ट डिवेलप कर रहे हैं अब एक और यहां पर चीज देखिए कि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हम कार्डिनलिटी को डिटर्मिन कैसे करते हैं जबकि हम उन दो एंट्री टाइप्स या जितनी भी एंट्री टाइप्स हैं उनके जो पॉसिबिलिटी है या जो कंपल्शन है लिंक होने की उसको हम देखते हैं और दोनों साइड से देखते हैं अब मिसाल के तौर पे जो इसमें कार्डिनलिटी शो की गई है आइए हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे डिटरमिन किया है देखिए अब स्टूडेंट की तरफ से आप सोचिए कि पहले आप ये देखें कि स्टूडेंट जो है उसका एक इंस्टेंस बुक की कितने इंस्टेंसेस के साथ रिलेट कर सकता है इसको आप लाइब्रेरी सिस्टम की लैंग्वेज में यू कहें कि एक स्टूडेंट जो है वो कितनी बुक्स इशू करवा सकता है एक या एक से ज्यादा जो ही एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है यानी मैनी वो आ जाएगा मैनी की कैटेगरी में चाहे वो दो हो चाहे वो हजारों हो इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट की साइड से अगर आप देखें इस रिलेशनशिप की जो मैक्सिमम कार्डलिटी है वो मैनी है अब यहां पे एक और चीज आप ये नोट कीजिए कि आप हाँ जिस वक्त स्टूडेंट की कार्नेलिटी शो कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में उसकी जो सिंबल है वो आपने अटैच किया है बुक एंट्री टाइप के साथ दोबारा कि जो स्टूडेंट एंट्री टाइप की जो कार्नेलिटी है मैक्सिमम या मिनिमम दोनों उनको आपने अटैच किया है बुक एंट्री टाइप की रेक्टेंगल के साथ इसी तरह अगर इसको इन्वर्स देखें तो जो बुक एंट्री टाइप की कार्नेलिटी है मिनिमम और मैक्सिमम दोनों इस रिलेशनशिप के अंदर उनको आपने शो किया हुआ है स्टूडेंट एंट्री टाइप के रेक्टेंगल के साथ तो ये चीजें भी आपको क्लियर हो गई हैं अब यहां पर आप ये देखिए कि ये रिलेशनशिप जो है या जो ये डायग्राम है ये आपको क्या क्या मतलब बता रही है एक तो ये मतलब बता रही है कि स्टूडेंट साइड से अगर हम इसको डिस्क्राइब करें इट इज ए वन टू मैनी रिलेशनशिप अगर इसको हम बुक साइड से डिस्क्राइब करें दिस इज ए मैनी टू वन रिलेशनशिप अब जहां तक मिनिमम कार्डिनलिटी का ताल्लुक है

या स्टूडेंट ए टाइप का एक ऐसा इंस्टेंस भी हो सकता है और जब एक हो सकता है तो फिर सारे बहुत से हो सकते हैं कि जो कि कोई भी बुक इशू ना कराएं या वो जो इंस्टेंस है वो बुक के किसी भी इंस्टेंस से रिलेट ना हो इसी तरह अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो जो बुक की मिनिमम कार्डिनलिटी है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है स्टूडेंट एंडी टाइप के साथ जीरो वो भी ऑप्शनल है इसे क्या मतलब है कि हर बुक इंस्टेंस के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो लाजमी तौर पे लिंक हो किसी स्टूडेंट के इंस्टेंस के साथ यानी हर बुक के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई ना कोई स्टूडेंट इशू करवाए या कर आ, हर वक्त करवाया हुआ हो इसलिए दोनों साइड पे इसके मिनिमम जो है वो ऑप्शनल शो की गई है अब दूसरी एग्जांपल में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आपके सामने डायग्राम है इसमें आपको एक एम्प्लॉय एंट्री टाइप और प्रोजेक्ट एंट्री टाइप नजर आ रहे हैं और इनके दरमियान एक रिलेशनशिप है इस रिलेशनशिप की जो नेचर है वो है वन टू मैनी वन टू मैनी इफ यू रीड इट फ्रॉम द प्रोजेक्ट टू एम्प्लॉय एंड ऑब्वियसली इफ यू रीड फ्रॉम एम्प्लॉय टू प्रोजेक्ट दैट इज दैनी टू वन इसको अगर आप देखिए इसका मतलब ये है कि ये आपको डायग्राम ये बता रही है कि जो आपका एम्प्लॉय है उसका एक इंस्टेंस जो है वो प्रोजेक्ट के मैक्सिमम एक इंस्टेंस से रिलेट कर सकता है या आप इसको यूं डिस्क्राइब करें कि एक एम्प्लॉय एक वक्त में एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेगा दूसरी साइड से एक प्रोजेक्ट का जो इंस्टेंस है वो बहुत से एम्प्लॉय के इंस्टेंस के साथ रिलेट होगा या यूँ कहें कि एक प्रोजेक्ट पे बहुत से एम्प्लॉयज काम करेंगे दिस इज अबाउट द मैक्सिमम कार्डनेलिटी अगर मिनिमम को देखें तो मिनिमम में ये है कि जो आपकी एम्प्लॉय है उसकी जो इन्वॉलमेंट है इस रिलेशनशिप में उसकी जो मिनिमम कार्डनीलिटी है उसको वन शो किया गया है या उसको आपने कंपलसरी कर दिया है देखिए इससे आप ये माइनर से सिंबल्स हैं लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है फर्क ये पड़ रहा है कि अगर आप इसको वन करते हैं इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय का एक जो इंस्टेंस है इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन द एम्प्लॉय एंट्री टाइप विदाउट बींग लिंक्ड टू एन इंस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट एंट्री टाइप या इसको अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की लैंग्वेज डिस्क्राइब करें तो एक एम्प्लॉय जब तक किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं करता या जब तक वो किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं है तब तक वो एम्प्लॉय नहीं है ज़ाहिर है कि एम्प्लॉय तभी होगा जब उसका डाटा उसमें अकाउंट होगा इसके बरक्स अगर आप देखें जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी अगर मिनिमम कार्डिनलिटी देखें तो वहाँ पर इसकी जो मिनिमम कार्डिनलिटी है वो ज़ीरो शो की गई है इसका मतलब ये है कि ऐसा हमारे पास कोई प्रोजेक्ट हो सकता है कि जो किसी भी एम्प्लॉय के इंस्टेंस से रिलेट ना करता हो यानी अगर आप ये सोचें कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट का कैसे तस्वर कर सकते हैं कि जिस पर कोई एम्प्लॉय काम ही नहीं कर रहा तो इसकी सिचुएशन एक दफा फिर मैं कहूंगा कि दिस यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द सिस्टम अगर वो ये कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा फेज है एक ऐसा हमारे पास टाइम है जिस दौरान हमने प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई तो कर लिया है वी आर इन द डिफाइनिंग फेज ऑफ द प्रोजेक्ट बट स्टिल बट बिकॉज वी हैव नॉट स्टार्टेड द प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली सो अभी हम ये शो नहीं करेंगे कि सम एम्प्लॉयज आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट जब कुछ एम्प्लॉयज प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे तो बेस में यह सिचुएशन कैसे रिप्रेजेंट हो रही है कि उस प्रोजेक्ट के इंस्टेंस के साथ कोई भी एम्प्लॉय लिंक नहीं है तो क्या इसमें हमने जो प्रोजेक्ट की जो मिनिमम कार्नेलिटी है उसको हमने जीरो शो कर दिया या उसको ऑप्शनल कर दिया तो और फिर वही बात है कि अगर आप देखिएगा कि जो प्रोजेक्ट की कार्नेलिटी है मैक्सिमम और मिनिमम उसको रिप्रेजेंट किया गया है विद द रेक्टेंगल ऑफ द एम्प्लॉय एंट्री टाइप और जो एम्प्लॉयड टाइप की जो कार्नेलिटी है मैक्सिमम और मिनिमम इस रिलेशनशिप के अंदर उसको शो किया गया है प्रोजेक्ट के जो रेक्टेंगल है उसके साथ आइए आप इसी एग्जाम्पल में चलते हैं इसमें आपको जो नजर आ रही है, दो एंट्री टाइप्स वो हैं स्टूडेंट और कोर्स की अब यहां पे अगर आप देखें आप फौरन समझ गए होंगे कि इन दोनों की जो कार्नेलिटी है इस रिलेशनशिप में एंट्री टाइप्स की वो मैनी टू मैनी है क्योंकि दोनों साइड पे जो क्रोफोट सिंबल है वो बना हुआ है और जो इनकी मिनिमम कार्डिनलिटी दोनों की वो जीरो है फिर मैं एक दफा कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि दोनों ही जीरो हो बस इतफाक है यहां पर दोनों जीरो हैं अब इसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे ये मैं आपको सामने दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसका मतलब ये है कि एक स्टूडेंट जो है उसका एक इंस्टेंस बहुत से इंस्टेंसेस ऑफ द कोर्स इट कैन बी लिंक्ड और अगर हम इसको कन्वर्सरी देखें तो जो कोर्स का एक इंस्टेंस है वो स्टूडेंट एंटिटी टाइप के बहुत से इंस्टेंसेस के साथ लिंक हो सकता है रिलेट हो सकता है अब अगर आप इसकी देखें मिनिमम uh, कार्डिनलिटी तो वो क्या है ऑप्शनल है इसका क्या मतलब है कि कोई कोर्स हमारा ऐसा भी हो सकता है जब हम बात करते हैं कोई की कोई का मतलब यह है कि वी आर लिविंग ए पॉसिबिलिटी अब चाहे उसमें कोई एक हो या हजारों हो इवन अगर यह भी सिचुएशन है कि आपके पास जिसमें आपने एक एंड्री टाइप की जो कर्नैलिटी है उसको अगर ऑप्शनल कर दी है तो ये हो सकता है कि उस कार्ल उस एंट्री टाइप की अगर फर्ज करें हज़ार या लाख इंस्टेंसेस भी हैं और उनमें से कोई भी लिंक नहीं है नन ऑफ दैम इवन तो भी ये उस सिचुएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है और अगर ये सिचुएशन है कि फर्ज करें हजार जो हैं वो इंस्टेंसेस हैं और उनमें से सिर्फ एक लिंक नहीं है बाकी जो नौ सौ निन्यानवे लिंक्ड हैं उस सिचुएशन को भी यही जो ऑप्शनल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि असल सवाल यह है कि वेदर यू आर अलाउइंग इट और नॉट सी बाय प्लेसिंग जस्ट ए स्मॉल जीरो और स्मॉल वन हाउ मच बिग डिसीजन यू आर मेकिंग रिगार्डिंग योर डाटाइन कि आया आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे अगर अलाउ करते हैं एक भी हो सकता है सारे भी हो सकते हैं अगर आप दोनों एंड देखें लेकिन अगर आपने उसको कंपल्सरी कर दिया है तो फिर यह पक्की बात है कि उनमें से हर इंस्टेंस को रिलेट होना पड़ेगा तो ये तीसरी एग्जाम्पल आपके सामने है ये है एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की ऑब्वियसली जिसकी मैक्सिमम कार्डिनलिटी जो है वो मैनी है और जो, जो उसकी मिनिमम कार्डिनलिटी है वो ऑप्शनल है या जीरो है चौथी एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट का और हॉबी का इसमें यह दिखाया गया है कि हमारे पास जो स्टूडेंट एंट्री टाइप है उसके जितने भी इंस्टेस हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं हर स्टूडेंट की हॉबी हो सकती है अब पहली बात तो यह है कि आपको ये डायग्राम ये बता रही है कि हम जो है वो एक हमारा जो स्टूडेंट है उसका एक जो है वो एक ही हॉबी के से रिलेट कर सकता है यहां कि कुछ स्टूडेंट्स की मल्टीपल हॉबीज भी हो सकती हैं दो तीन चार पांच ज़्यादा भी हो सकती हैं तो उसका जवाब फिर ये है के, कि के स्टूडेंट में हैव मोर देन वन हॉबीज बट आवर सिस्टम इट स्टोर ओनली वन हॉबी सिस्टम क्यों स्टोर कर रहा है एक हॉबी इसलिए दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो कहती है लड़के खासतौर पर आजकल बहुत सारी हॉबीज़ में मुबतला होते हैं तो हम ठीक है मैक्सिमम एक स्टोर कर लेते हैं वो काफ़ी है तो अगेन दिस हैज़ टू बी द दिसीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो कहती है कि हम एक हॉबी काफी है तो फाइन इसी तरह अगर आप दूसरी तरफ देखें तो हम कहते हैं कि जो एक स्टूडेंट है एक हॉबी है उसका जो एक इंस्टेंस है वो बहुत से स्टूडेंट्स के साथ रिलेट कर सकता है या इसको आप यूं कहें कि एक हॉबी जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स की हो सकती है मिसाल के तौर पर हम कहें कि जैसे फर्ज कर कहते हैं कि रीडिंग है रीडिंग हॉबी है या गार्डनिंग है एक हॉबी है तो वो जहरा के बहुत स्टूडेंट्स की हो सकती है लेकिन अगर एक स्टूडेंट है उसकी फर्ज करें जो है वो म्यूजिक भी उसकी हॉबी है लिसनिंग म्यूजिक है और आउटिंग है फर्ज करें और रीडिंग है ये उसकी तीन चार हॉबीज हैं लेकिन जब उसका डाटा एंटर होगा या जब उससे पूछा जाएगा तो उससे कहा जाएगा आप एक हॉबी बताएं तो ऑब्वियसली जो उसकी मोस्ट फेवरेट होगी वो वही बता देगा तो इस तरीके से ये सिचुएशन यू हैंडल होगी अब अगर आप देखें दोबारा इसकी मिनिमम कार्डी उसमें क्या है के जो आपकी स्टूडेंट साइड से है जिसको आपने वन कहा मैक्सिमम कार्डनलिटी उसको आपने जीरो कर दिया हुआ है यानी ऑप्शनल कर दिया है इससे क्या मुराद है इससे बरा यह है कि हमारे पास कोई ऐसा स्टूडेंट भी हो सकता है हु हैज नो हॉबी इसका मतलब होगा कि उसका जो इंस्टेंस है उस स्टूडेंट का जो इंस्टेंस है दैट विल नॉट बी लिंक विद एनी इंस्टेंस ऑफ द हॉबी एनी टाइप और इसी तरह अगर दूसरी तरफ देखें तो उसमें क्या है कि उसमें जो आपकी हॉबी की जो मिनिमम कार्डनलिटी है वो भी ऑप्शनल है या जीरो है इससे क्या मतलब है कि हमारे पास कुछ ऐसी हॉबीज भी हो सकती हैं कि जो कि किसी भी स्टूडेंट की नहीं है अब सवाल ये पता होता है कि आ, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि एक हम हॉबी जो है वो रख रहे हैं तो आ, वो किसी भी स्टूडेंट की नहीं है उसमें यह होता है कि यू हैव गॉट सॉर्ट ऑफ लिबर्टी फ्रीडम है आपके पास है कि आप के पास अगर कुछ हॉबीज की लिस्ट है जो पॉपुलर हॉबीज हैं आप उनके इंस्टेंसेस जो है यू विल पुट इनटू द हॉबी एंट्री टाइप और जिस वक्त

बट वंस अगेन ये दीज थिंग्स हैव टू बी फाइनलाइज बाई द सिस्टम बाय द पीपल रनिंग सिस्टम डियर स्टूडेंट्स ये जो मैंने अभी आपके सामने डिस्क्राइब किया है ये एक पर्टिकुलर uh, रोटेशन थी ई या डायग्राम के अंदर रिलेशनशिप की कार्लिटीज को शो करने के लिए लेकिन अगर आप बुक्स को देखें तो उसमें आपको डिफरेंट नोटेशन जो है वो नजर आएंगी तो मैं ब्रीफली उन नोटेशन का भी मैंशन कर देता हूँ ताकि एटलीस्ट जब आप उनको देखें तो आप उसको अपनी नोटेशन के साथ रिलेट कर सकें अपनी से मुराद ये है कि हम जो इस कोर्स में नोटेशन अप्लाई करने जा रहे हैं वो यही है जो मैंने भी आपसे डिस्कस की है और इसको मैंने डिटेल में जिसको एक्सप्लेन किया है अब जो पहली आपके सामने डायग्राम है ये पहली नोटेशन है जो कि मुख्तल जगहों पे इस्तेमाल होती है इसमें अगर आप देखें तो जो आपका वन टू मैनी रिलेशनशिप है वो शो किया गया है एरो हेड्स के साथ जिस साइड पे आपके पास वन है शो करना होता है उसको आपने सिंगल एरो से शो किया हुआ है और जिसके साथ आपने मैनी शो करना है वहां पे डबल एरो शो किया गया इसी तरह से जो यहां पर दिखाया गया है स्टूडेंट और बुक के दरमियान वन टू मैनी तो वो वन एरो हेड और मैनी एरो इसी तरह अगर आप देखें स्टूडेंट और हॉबी के दरमियान तो स्टूडेंट्स uh, uh, इस यहाँ पे वन एरो और मल्टीपल एरोज़ अगर आप देखें प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय के दरमियान तो यहाँ पे uh, दोनों साइड्स पे डबल एरोज़ हैं यहाँ से एक चीज़ आप uh, ये गैस कर सकते होंगे कि इस नोटेशन में जिसकी हम बात कर रहे हैं इस नोटेशन के अंदर मिनिमम कार्डिलिटी की कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रही तो उसके मुख्त तरीके हो सकते हैं बाज़ दफ़ा आप ऑप्शनल uh, को शो करने के लिए सिंपली वहाँ पे जीरो प्ले जीरो प्लेस कर देते हैं और कंपल्सरी कम, को के लिए वन प्लेस कर देते हैं या बाद ऑप्शनल आप के लिए आप वहां पर स्टार प्लेस कर देते हैं इसके लिए कोई भी नोटेशन जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं यह तो थी हमारी दूसरी नोटेशन अब एक और नोटेशन जो इस वक्त आपके सामने है उसमें आप देखिएगा कि आप वन के लिए वन कार्डिलिटी के लिए यू यूज वन डिजिट और मैनी के लिए आप यूज कर रहे हैं एम एम फॉर मैनी तो इस नोटेशन में जब वन टू एम होगा तो उसमें है वन और एम जिस वक्त होगा वन टू वन तो होगा वन और वन और जिस वक्त होगा मैनी टू मैनी तो एम और एन अब यहां पे इसमें एक चीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि किस तरफ यू हैव टू प्लेस एम और किस तरफ एन इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस ये सिर्फ आपके जो डिफरेंट लेटर इस्तेमाल किए गए हैं वो इसलिए किए गए हैं कि ताकि इससे ये चीज कहीं इस्टेब्लिश ना हो ये कॉन्सेप्ट इससे समझ ना लिया जाए इफ यू प्लेस एम टू एम इट कैन शो ए मैनी टू मैनी लेकिन जहां से एक जो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है वो ये है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए तो चूंकि ये शो करने के लिए कि मैनी तो है बट देर इज नो देर इज नो लिंक बिटवीन देर नंबर कि अगर एक जो है वो सिर्फ दस हो सकते हैं दूसरी सिर्फ बारह भी हो सकते हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए यहां पे जो आपके पास इस नोटेशन में मैनी टू मैनी के लिए आपने एम और एन जो आपके कैरेक्टर्स हैं उनको इस्तेमाल किया हुआ है ये थी नोटेशन नंबर दो जो तीसरी नोटेशन है जो इस वक्त आपके सामने है इस नोटेशन के अंदर यू सी के प्लेन लाइन एंड डॉट जहां पर एक सिंपल लाइन आपने शो कर दी है विद अपने बिल्कुल एच के ऊपर uh, वहां पर आपने डॉट प्लेस कर दिया है उसका मतलब यह है कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए मैनी तो वन टू वन में दोनों वन टू मैनी में वन और डॉट मैनी टू मैनी में डॉट डॉट डियर स्टूडेंट्स ये अभी तक आपने हमने जो पढ़ा है वो ये है कि आप कैसे कर्नैलिटीज को शो करते हैं एक डायग्राम में और इसके अलावा ये डिफरेंट नोटेशन जो कि इस वक्त राइज हैं डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिटरेचर में मिलती हैं उसमें इनके लिए क्या क्या सिंबल इस्तेमाल होते हैं आई होप ये आपको क्लियर होगा और हम जो फाइनल में एक एक्सरसाइज करेंगे और जो मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा उससे जब आप वो उस एक्सरसाइज उस उस असाइनमेंट को करेंगे तो आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी रोल्स इन रिलेशनशिप रोल्स से मुराद यह है कि एक जब एंट्री टाइप्स इन्वॉल्व हैं रिलेशनशिप में एक लिंक में उसमें हर जो एंट्री टाइप है वो क्या फंक्शन प्ले कर रही है उसका क्या रोल है और वो कैसे इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है हाउ इज इट इंपॉर्टेंट वट इज द सिग्निफिकेंस इसका यह है कि जब आपको एंटी टाइप्स का रोल पता हो एक रिलेशनशिप के अंदर तो आपको उस रिलेशनशिप को समझने में आसानी होती है यानी रोल से आपको समझ आएगा कि वो रिलेशनशिप क्या है और जो कार्नेलिटीज़ हैं वो आप उसकी फर्दर जो नेचर या एक्सप्लेनेशन बन जाती हैं सी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं दे आर बेसिकली एडिंग मोर एंड मोर सीमेटिक्स टू योर डिज़ाइन इससे आपको यह अंदाजा होना चाहिए कि वट डू यू वट डू यू मीन बाय द सीमेंटिक डाटा मॉडल और उनका क्या रोल है डेटाबेस डिजाइन में जहां तक रोल्स की बात है मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज क्लियर फ्रॉम द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप यानी इफ यू सिंपली नेम द रिलेशनशिप इट तो भी ये काफी है समझाने के लिए कि यहां पर एंटी टाइप्स है वो क्या रोल प्ले कर रही हैं और तौर पे अगर ऐसी इन्वायरमेंट है जिसमें कि आप टू uh, हैं जिससे जिसके बारे में आप जानते हैं तो उस केस में तो वो इतना क्लियर होता ही है देख के कि ये इसमें ये रोल प्ले कर रही होंगी लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि जिस सिचुएशन में दिस इज रिकमेंडेड कि आप उसमें उनको एक्सप्लिसिटली रोल्स को मेंशन करें यहाँ पे मिसाल के तौर पे जो एग्जांपल दी गई है उसमें ये वो एग्जांपल है कि जिसमें आपको सिर्फ जो उनके दरम्यान रिलेशनशिप है उसी को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि हर जो एंटी टाइप है वो क्या रोल प्ले कर रही है मिसाल के तौर पे इफ फीलिंग स्टूडेंट एंटी टाइप एंड ए कोर्स एंट्री रिलेशनशिप, और फर्ज करें उस रिलेशनशिप को हमने नाम दे दिया है एनरोलमेंट तो अब इससे आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि स्टूडेंट जो है वो एनरोल होता है इस कोर्स में या उसको यूं कहें कि कोर्स जो है उसमें स्टूडेंट एनरोल होते हैं तो इस तरह से इस सिचुएशन में दोनों का जो रोल है दोनों एंट्री टाइप्स का इस रिलेशनशिप के अंदर वो आपको जस्ट देखते ही क्लियर हो जाएगा लेकिन दो सिचुएशंस ऐसी हैं जो कि रिकमेंडेड हैं कि जिनमें आपको रोल को मेंशन करना चाहिए एक्सप्लिसिटली आइए देखते हैं वो कौन सी सिचुएशंस हैं एक तो ये है कि जिस वक्त आपके पास एक रिकर्सिव या जूनरी रिलेशनशिप हो इससे क्या हम है इससे है कि जब एक एंटी टाइप जो है वो अपने साथ ही रिलेटेड है तो उस केस में आप कहेंगे कि इट इज बेटर कि आप जो है वो या तो जो उसका नाम है रिलेशनशिप का वो भी और रोल भी मैंशन करें और फर्ज के अगर आप नहीं भी मैंशन करते या नाम आप यूं बनाते हैं कि उसी एंड टाइप का दो दफा नाम लिख देते हैं या जो भी इसका नाम देते हैं लेकिन जो उसमें रोल है दोनों साइड से क्योंकि अब ये एक ऐसा लिंक होगा कि जो एक एंडी टाइप से निकल के उसी टाइप उसी एंड टाइप वापस आ रहा होगा तो दोनों साइड्स पे दोनों लिंक्स पे आपने उसका रोल मेंशन करना है और दूसरी सिचुएशन वो है कि जब दो एंट्री टाइप के दरमियान मोर देन वन रिलेशनशिप हो मोर देन वन से क्या मुद्दा है दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं तो इसके जो सिचुएशन है वो आपको क्लियर होगी अगली स्क्रीन पे जो एग्जांपल्स हैं उनसे आइए अगली स्क्रीन पे एग्जांपल्स देखते हैं इसमें आपको जो पहला एक आपको डायग्राम नजर आ रही है उसमें अगर आप देखिए तो फैकल्टी एंट्री टाइप है और वो एक यूनरी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है इसमें क्या है आइडिया यह है कि आपके पास जो तमाम फैकल्टी मेंबर हैं उनमें से एक जो फैकल्टी मेंबर होगा दैट विल बी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो इसमें यह है कि आपने ये चूंकि इस दोनों कामों में यानी कि फैकल्टी मेंबर ही चुके हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी है तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि इस एंटी टाइप का अपने साथ ही है अब जहां देखिए कि आप अगर इसकी कर्नलिटी को देखिए तो एक साइड से मैनी है और एक साइड से वन है इससे क्या मुराद है इससे मुराद यह है कि आपका जो एक हेड है एक फैकल्टी मेंबर है वो बहुत से लोगों को हेड करेगा और या आप यह कह सकते हैं कि बहुत से फैकल्टी को एक पर्सन जो है वो हेड करेगा यानी अगर हमारे पास एक डिपार्टमेंट फर्ज करें कि बीस फैकल्टी मेंबर हैं उन फैकल्टी में से जाहिर है कि एक ही जो फैकल्टी मेंबर होगा दैट विल तो अब इसकी सिग्निफिकेंस है किस सेंस में कि किस साइड से आपने यह शो करना है कि वन है और किस साइड से मैनी है देखे ना अगर इसको आप प्रॉपरली पोर्ट्रे ना करें तो इसका मतलब उल्टा भी हो सकता है यानी बजाय इसके कि हम ये कहें कि एक हेड बहुत से फैकल्टी मेंबर्स का हो सकता है और बहुत से फैकल्टी मेंबर्स का एक हेड हो सकता है इसको आप उलट अगर कर दें तो इसका मतलब यह होगा कि बहुत से हेड जो हैं वो एक फैकल्टी मेंबर के होंगे या एक फैकल्टी में बर के बहुत से हेड्स होंगे हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे तो जाहिर है कि ये तो बिल्कुल ही एक कन्फ्यूजिंग से उलट बात है तो इस सिचुएशन में पहली बात तो यह आपने ये जरूर शो करना है कि किस साइड से ये वन है किस साइड से मैनी है अब आपके सामने जो सब डायग्राम है इसके अंदर आपने ये किया हुआ है कि आपने जो रिलेशनशिप है उसका नाम कर दिया लेट्स से हेड ऑफ डिपार्टमेंट अब यहां पे जो आपकी वन साइड है इसी फक, इसी जो टाइप का जो रोल है वन साइड है वहां पे आपने लिखा हुआ है कि हेड्स और जो मैनी साइड है वहां पे लिखा हुआ है इससे यह जाहिर हो रहा है एक जो फैकल्टी मेंबर है बहुत से मेंबर को हेड uh, करेगा और बहुत से जो फैकल्टी मेंबर हैं उनका एक हेड होगा तो ये वो एक सिचुएशन uh, है रिकर्सिव रिलेशनशिप uh, की कि जहां पे आपको रोल जो है वो किस साइड से क्या रोल प्ले हो रहा है वो मैंशन करना चाहिए और दोबारा यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट कि किस साइड पर आप क्या प्लेस करते हैं दूसरी सिचुएशन जिसमें कि आपको लाजमी तौर पर शो करना चाहिए आप उसकी कर्नैलिटी मैं जबकि दो टाइप्स के दरमियान एक से ज्यादा रिलेशनशिप हों जैसे दूसरी डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें आपको दो टाइप्स दिखाई गई हैं एक है स्टूडेंट एक है फैकल्टी मेंबर की अब इनके दरमियान दो तरह के रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं एक तो ये है कि जब हम कहते हैं कि एक टीचर को एक टीचर बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाता है और इसी तरह से एक स्टूडेंट को बहुत से जो टीचर वो पढ़ाते हैं जैसे फर्ज करें अगर स्टूडेंट है तीन चार पाँच छः सब्जेक्ट्स में एनरोल्ड है तो ऑब्वियसली हर जो सब्जेक्ट है उसको मुख्तु टीचर पढ़ा रहे हैं या सेम भी टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो उस केस में वो मुख्तु टीचर उसको जनक पढ़ा रहे हैं अच्छा दूसरी तरफ जो दूसरा इसमें जो लिंक बनता है स्टूडेंट और फैकल्टी एंट्री टाइप के दरमियान वो ये है कि जो स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट करते हैं उनमें हर स्टूडेंट का एक सुपरवाइजर जो है उसको एलोकेट होता है जिनकी निगरानी में बेसिकली स्टूडेंट जो है वो प्रोजेक्ट को अकम्पलिश करता है तो ये दूसरा रिलेशनशिप है स्टूडेंट और फैकल्टी के दरमियान जहाँ पे आप शो करना चाहते हैं टीचिंग वाला के टीचर जो है वो फैकल्टी मैंबर जो है बहुत से स्टूडेंट्स को टीच करता है दैट इज़ बेसिकली ए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप और जहां पर है सुपरवाइजर और स्टूडेंट का वो है वन टू मैनी किस सेंस में कि एक स्टूडेंट का एक ही सुपरवाइजर होगा लेकिन एक सुपरवाइजर जो कि ऑब्वियसली फैकल्टी मेंबर होगा वो बहुत से स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करेगा इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को शो किया गया है एज वन टू मैनी या मैनी टू वन अब जाहिर है कि इसकी सिग्निफिकेंस है कि किस को आप मैनी टू मैनी कह रहे हैं और किसको वन टू मैनी कह रहे हैं क्योंकि अगर इसको आप उलट कर देते हैं तो फिर जाहिर है कि टोटली मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा तो यहां पे इसीलिए जो आपके पास मैनी टू मैनी है उसमें आपने जो टीचिंग वाला जो रिलेशनशिप है आपका जिसमें टीच लिखा हुआ है उसमें आपने जो स्टूडेंट का रोल है जो स्टूडेंट एंटी टाइप है उसके पास लिखा हुआ है इज टॉट बाय ठीक है और आप एक चीज और नोट कीजिए कि जो कार्डनैलिटी है वो तो जिस एंटी टाइप की आप कार्डनैलिटी शो करना चाहते हैं उसको आप लिखते हैं दूसरी वाली एंटी टाइप के साथ लेकिन यहाँ पे जो रोल की सिचुएशन है रोल को आप लिखते हैं उसी एंटी टाइप के साथ लाइन के ऊपर जैसे कि आपके सामने नजर आ रहा है कि जो आपकी टीचिंग वाली इसमें जो रिलेशनशिप है उसमें जो स्टूडेंट की कार्नेलिटी है वो तो शो होगी जो कि आपका फैकल्टी का रेक्टेंगल है फैकल्टी जो एनी टाइप है उसके रेक्टेंगल के साथ जो कार्नेलिटी स्टूडेंट की है वो वहाँ पर शो हो रही है लेकिन जो इसका रोल है वो इसके साथ ही जो लाइन है जो लिंक की लाइन है उस पर लिखा जाएगा तो उस पर लिखा हुआ है टॉट बाय और दूसरी तरफ जो इसमें फैकल्टी का रोल है वो उसके साथ बिल्कुल जो लाइन है उस पर लिखा हुआ है टीचिस अब इससे आपको फायदा क्या है इससे कैसे रिलेशनशिप uh, को समझने में आसानी आती है वो ये है आप यूँ कहेंगे कि वन फैकल्टी मेंबर टीचेस मैनी स्टूडेंट्स और इसको कन्वर्सिव भी पढ़ेंगे कि वन स्टूडेंट इज टॉट बाय many faculty members. और जो दूसरा आपका रिलेशनशिप है जो कि सुपरवाइजर का है उसमें आप देखिए अगर तो आप इसको यू स्टडी करेंगे कि वन स्टूडेंट इज सुपरवाइज बाय वन फैकल्टी मेम्बर एंड वन फैकल्टी मैंबर सुपरवाइज मैनी स्टूडेंट्स तो इसकी लैंग्वेज भी आप यूँ लिखते हैं कि जिससे उसको जब आप पढ़ें तो वो एक सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन बन जाए जैसे आपने देखा कि जो टीचर्स लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है फैकल्टी एंडी टाइप के साथ तो पढ़ेंगे वन फैकल्टी मेंबर स्टूडेंट्स एंड सिमिलरली हम ये कहेंगे कि वन स्टूडेंट इज टॉट बाय मैनी टीचर्स एंड लाइक दैट आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा डिपेंडेंस दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट का तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि दिस इज सॉर्ट ऑफ ए कंडीशन ए चेक और आप डेटाबेस uh, को सही तरह से फंक्शनैलिटी को मेक uh, श्योर sure करने के लिए यू इम्पोज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टेंट ऑन दैट और दिस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कि जब आप इवन उसका डोमेन डिफाइन करते हैं डोमेन इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टेंट और चेक और इवन जब आपने कॉर्लिटीज डिटर्मिन कर दी हैं, मैंशन कर दी हैं तो वो भी एक दे आर सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टेंट कि जब आपने एक डिक्लेयर कर दिया कि आपकी जो कॉर्नैलिटी वन टू तो मैनी है सॉर्ट sort ऑफ of इससे डिपेंड इससे चेक और कॉन्स्टेंट जिसको आपने वन कह दिया है वहाँ मैनी नहीं हो सकता ठीक है तो इसी तरह से जो डिपेंडेंसीज भी है वो भी एक तरह से कॉन्स्टेंट है इसकी जो पहली टाइप कह लें आप ये जो मेन जो हम डिपेंडेंसी हम इस वक्त डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी और इसमें जो इस तरह की सूरत हाल है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हेन वी डिस्कस्ड द वीक एंटी टाइप्स एंड द रेगुलर एंटी टाइप्स तो उसमें ये वही सु, तकरीबन सूरत हाल है लेकिन ये थोड़ी सी इसमें ज़्यादा इसमें एक्सप्लनेशन uh, है एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी जैसे नाम से जाहिर है कि वहाँ पे एग्जिस्ट करती है कि वेन वन एनटी टाइप इंस्टेंस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट बीइंग लिंक्ड विद द इंस्टेंस ऑफ अनदर अदर टाइप तो वहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है वो एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी है वो एग्जिस्ट करती है या ये जो एंटी टाइप है ये एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट है दूसरी एंडी टाइप के ऊपर और इसकी जो दो टाइप्स हैं फर्दर उनमें से एक है आइडेंटिफाइड डिपेंडेंसी आइडेंटिफाइड डिपेंडेंसी से मुराद ये है कि जो आपकी डिपेंडेंट एंटी टाइप है उसका अपना आइडेंटिफायर नहीं है उसकी अपनी की नहीं है और वो की के लिए भी या उसकी की डिफाइन करने के लिए भी जो आपकी रेगुलर एंटी टाइप है या जिस पर डिपेंडेंट है उसकी की को एज अ पार्ट ऑफ या एज अ होल इज बीइंग यूज्ड एज की ऑफ द डिपेंडेंट एंटी टाइप यानी फर्ज करें अगर आपके पास एंटिटी ए है वो एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट है एंटी टाइप बी के ऊपर अब बी चूंकि एक रेगुलर एंटिटी टाइप है तो उसकी अपनी एक की है उसकी अपना आइडेंटिफायर है लेकिन जब आप ए की बात कर रहे हैं जो कि एग्जिस्टिंग डिपेंडेंट है तो बी की की या तो वैसे के वैसे ही एज अ होल इस्तेमाल हो रही है एज द की ऑफ द ए और ऐसा अगर नहीं है तो ए की एक अपनी कंपोजिट की है और उस की के अंदर एक पार्ट है बी की की भी तो इस सिचुएशन में जबकि आपकी जो डिपेंडेंट एंटिटी टाइप है उसका जो आइडेंटिफायर है जो उसकी की है वो बेस कर रही है आपकी जो रेगुलर है एंट्री टाइप उसकी की के ऊपर उसको हम कहेंगे कि दिस डिपेंडेंस। इसकी एग्जांपल आपको अगली स्क्रीन पर नजर आएगी अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज द सेकंड टाइप ऑफ डिपेंडेंसी एंड दैट इज रेफरेंशियल डिपेंडेंसी रेफरेंशियल डिपेंडेंसी उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगा कि जब आपकी जो डिपेंडेंट एंट्री टाइप है उसकी अपनी की तो है लेकिन वो जो डिपेंडेंस है इसकी स्ट्रांग एंट्री टाइप पे या रेगुलर पे वो रिप्रेजेंट हो रही है विद द हेल्प ऑफ अनदर एट्रीब्यूट और वो जो एट्रीब्यूट है दैट इज यूज बेसिकली टू लिंक दिस टू यानी होगा ये कि अब इसमें जो आपकी जो डिपेंडेंट एंट्री टाइप है उसका इंस्टेंस जो है वो बगैर लिंक हुए वो एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा ऑल दो के इसकी अपनी जो है वो आइडेंटिफायर इसका अपना है और ये चीज आप जब हमने पढ़ी थी वीक एंडी टाइप वहां भी आप पढ़ चुके थे जो ये एट्रीब्यूट है जो कि दोनों को लिंक कर रहा है इसको फॉरन की कहते हैं इसके बारे में डिटेल से हम अगले किसी लेक्चर में पढ़ेंगे लेकिन अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाता हूं जिसमें हम कहते हैं जिसको हम कहेंगे कि जहां पर एग्जिस्टेंस डिपेंडेंस वो एग्जिस्ट कर रही है आइए देखते हैं अगली स्क्रीन पर यहाँ पे पहले आप जो देख रहे हैं उसमें आपको दिखाया गया है एक बुक और बुक कॉपी दो एंट्री टाइप्स हैं इसकी लॉजिक ये है कि अगर हमारे पास एक बुक है उसकी मल्टीपल कॉपीज हैं तो बुक का डाटा बजाय बार बार रिपीट करने के फर्ज करें अगर हमारे पास दस कॉपीज हैं तो उन दस कॉपीज को बार बार स्टोर करने के हम एक ही दफा स्टोर करें और जो कॉपीज के बारे में डाटा है उसको हम रिपीट कर लें तो यहां पे दिखाया गया है कि बुक और बुक कॉपी इस केस में देखिए कि जो आपकी बुक कॉपी एंट्री टाइप है उसके जो इंस्टेंसेज हैं उनकी अपनी आइडेंटिफायर नहीं है बल्कि जो बुक का आपके पास आइडेंटिफायर है यानी कि जिसको हमने कहा बुक आईडी जो कि बेसिकली प्राइमरी की है आपके आ, बुक एंट्री टाइप की वो और साथ कॉपी आईडी वो दोनों मिलके या कॉपी नंबर जो है दोनों मिलके दे विल बी डिक्लेयर्ड एज द प्राइमरी की और द आइडेंटिफायर ऑफ द बुक कॉपी एंट्री टाइप तो इस तरह की सिचुएशन जो भी होगी कि जबकि आपकी जो स्ट्रॉन्ग टाइप है जो रेगुलर एंट्री टाइप है उसकी प्राइमरी की एज पार्ट ऑफ या एज अ होल इज बिंग यूज एज द की ऑफ द डिपेंडेंट एंट्री टाइप उसे हम कहेंगे दिस इज आइडेंटिफायर डिपेंडेंस अगर दूसरी एग्जाम्पल देखें इसमें शो किया गया है फैकल्टी और डिपार्टमेंट को इसमें यह दिखाया गया है कि जो डिपार्टमेंट uh, है उसकी अपनी एक आइडेंटिफायर uh, है और वो एक इंडिपेंडेंट uh, एंट्री टाइप है जो आपका एम्प्लॉय है ये जो फैकल्टी है फैकल्टी जो है इसको यहाँ पर शो किया गया है एज डिपेंडेंट एंटी टाइप इसका मतलब यह है कि फैकल्टी का जो एक इंस्टेंस है इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट बीइंग लिंक्ड विद द इंस्टेंस ऑफ द डिपार्टमेंट या आप ये कहें कि जब तक एक फैकल्टी मेंबर उसका ताल्लुक किसी डिपार्टमेंट से नहीं होगा तब तक इट कैन नॉट बी एंटर्ड इनटू द फैकल्टी एंटी टाइप अब यहाँ पर जो फैकल्टी है इसकी अपना एक आइडेंटिफायर है इसकी अपनी एक की है जिसको हमने कह दिया फर्ज करें कि फैकल्टी आईडी लेकिन इसके जो डिपेंडेंस है इसकी ऑन द डिपार्टमेंट एनी टाइप उसको रिप्रेजेंट किया गया है विद द हेल्प ऑफ अनदर एट्रीब्यूट और वह एट्रीब्यूट क्या होगा वो एट्रीब्यूट बेसिकली एक लिंकिंग एट्रीब्यूट है और जिसको मैंने कहा कि हम फॉरन की कहेंगे और उस फॉरन की में एक लिंक होगा जो कि होगा डिपार्टमेंट के साथ और जब तक इसमें एक प्रॉपर लिंक नहीं होगा तब तक जो है एक इंस्टेंस आप फैकल्टी एंट्री टाइप के अंदर एंटर नहीं कर सकेंगे या आप यूं कहें कि जब तक एक फैकल्टी मेंबर किसी डिपार्टमेंट के साथ लिंक नहीं करेगा तब तक आप उसका डाटा एंटर नहीं कर सकेंगे और माइंड इट हमेशा की तरह ये भी जो डिपेंडेंस है ये जो रूल्स हैं यू विल आइडेंटिफाइड फ्रॉम द सिस्टम यू विल नॉट डिफाइन दम योर यानी ये फैसला करना कि आया कोई फैकल्टी मेंबर जो है वो डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट है या नहीं है आपका काम नहीं है यह काम है ऑर्गेनाइजेशन का इसका मतलब यह है अगर वो इसको ऑप्शनल कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि ऐसे फैकल्टी मेंबर भी होंगे जिनका डाटा मौजूद तो है फैकल्टी एंट्री टाइप के अंदर मगर वो किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करते एज ए डिजाइनर एज ए डेवेलपर यू हैव नथिंग टू डू विद दैट दैट इज फाइन विद यू इन ईदर केस दैट इज फाइन विद यू आपने तो उसको मॉडल करना है आइए आगे, आगे चलते डियर स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है ई आर डाटा मॉडल के ऊपर इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज ए बेसिक ई आर डाटा मॉडल बेसिक से हम यह है कि जो एक साइंटिस्ट था चैन जिसने बेसिकली ई आर डाटा मॉडल को प्रपोज किया था अभी तक हमने जो पढ़ा है वो बेसिकली मैक्सिमम ऑफ दैट वॉज इंक्लूडेड इन द प्रजेंटेशन या इन द डेफिनेशन ऑफ द चैन यानी दिस वॉज बेसिकली दरिजिनल ई आर डाटा मॉडल एंड दिस वॉज बैक इन सेवनटीज समवेयर तो उस वक्त से जब जो इसकी यूटिलिटी थी ई ER आर डाटा मॉडल की डेट हेज़ बिन्प्रूव्ड एज ए टूल फॉर द कंसेपचुअल डाटा बेस डिज़ाइन तो इस पर फिर इसको जो इसकी लिमिटेशंस थी या जो भी इसकी स्ट्रेंथ थी उसको मजीद इन्हांस करने के लिए या इसकी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए डिफरेंट लोगों ने इसमें इन्हांसमेंट की हैं अगर आप लिटरेचर देखें तो आपको डिफरेंट रिसर्च पेपर नजर आएंगे जिसमें मुख्तु लोगों ने तरह की मुख्तमेंट जो है वो सजेस्ट की हैं ई आर डाटा मॉडल के ऊपर तो किसी जगह आपको नजर आएगा एक्सटेंडेड ई आर डाटा मॉडल किसी जगह नजर आएगा एनहेंस्ड ईआर डाटा मॉडल कहीं नजर आएगा एनहेंस्ड एक्सटेंडेड ई आर डाटा मॉडल दे आर सो मैनी प्रपोजल और ऑब्जेक्टिव क्या है कि यू मेक इट सीमेटिकली रिचर यू मेक इट मोर पावरफुल अब इसीलिए नेक्स्ट हमारे पास जो टाइटल है ई आर डाटा मॉडल इसमें जो मोस्ट कॉमन एनहेंसमेंट हुई हैं ई आर डाटा मॉडल के अंदर उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और यह चूंकि उन सब का एक लिहाज से क्रक्स है तो यह है कि आप जब भी इसको ई आर डाटा मॉडल को इस्तेमाल करें तो उस वक्त आपके जहन में होना चाहिए कि हम ये फीचर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से यू फील मोर हैंडी आइए आगे चलते हैं डिफरेंट प्रपोजल्स और हमने मोस्ट कॉमन यहां पेश किए और जो इसमें से सबसे कॉमन एक फीचर है जो कि इसमें इस्तेमाल हो रहा है वो है सुपर टाइप और सब टाइप का कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट जो है ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो पैराडाइम है उसमें से लिया गया है या उसका एक बहुत पावरफुल फीचर है जो आपका सुपर टाइप सब टाइप जो रिलेशनशिप है या जो ये जो एक फीचर है इसकी सही स्ट्रेंथ जो है वो तो वाकई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में हमें क्लियर होती है लेकिन इसको यहाँ भी एक लिमिटेड मीनिंग में इस्तेमाल किया गया है हम देखेंगे कि वो किस तरह से इस्तेमाल किया गया है सुपर टाइप सब टाइप भी एक तरह का एक रिलेशनशिप है मुख्तलिफ एंटी टाइप्स के दरमियान इसमें कुछ एंटी टाइप्स को यू डिक्लेयर एज द सुपर टाइप और कुछ को डिक्लेयर कर देते हैं आप एज सब टाइप्स और इसको हम आ, इसी चीज़ को हम जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन रिलेशनशिप भी कहते हैं यानी जो आपकी सुपर टाइप है वो कहलाती है एक जनरल एंटी टाइप और जो आपकी सब टाइप्स हैं उनको हम स्पेशलाइज्ड एंटी टाइप्स कहते हैं डियर स्टूडेंट्स एक बात इस सिलसिले में आपको बताता चलूँ कि जो आपके पास सुपर टाइप सब टाइप या जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन रिलेशनशिप है ये भी एक रिलेशनशिप है जैसे आपने जो डिफरेंट रिलेशनशिप हम पहले पढ़ते रहे हैं उनकी तरह से ये भी एक लिंक है एक एसोसिएशन है डिफरेंट एंडी टाइप्स के दरमियान ये इसको मखसूस एक नाम दे दिया गया और एक मखसूस ट्रीटमेंट या स्पेशल ट्रीटमेंट जिसको हम देते हैं सिर्फ इस वजह से कि ये एक खास टाइप का रिलेशनशिप है जिसके कि अपने मीनिंग्स हैं जिसका अपना एक रोल है तो आप इसको अगर यानी इसको अगर आप इस तरह से स्पेशली ना भी ट्रीट करते तो हो सकता है कि आप उन्हीं सिंबल्स को इस्तेमाल करते जो हम पहले सिंबल इस्तेमाल करते रहे हैं उसके जरिए आप इसको इस्तेमाल कर लेते लेकिन जब हमने इसको एक मखसूस ट्रीटमेंट दे दिया है ई आर डाटा मॉडल के अंदर थ्रू एन एनहांसमेंट उसका आपको एडवांटेज क्या है वही क्लैरिटी यानी जो रिलेशनशिप है जनरली आपको यह तो नजर आ जाएगा डायग्राम देखते ही कि ये दो एनी टाइप्स जो आपस में रिलेटेड हैं लेकिन यू हैव टू सी ऑन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप किस तरह का वो उसमें उनके दरमियान लिंक है लेकिन जब आप बात करते हैं सुपर टाइप सब टाइप रिलेशनशिप की तो उसके डिफरेंट सिंबल करने का आपको फायदा क्या होगा कि उसको देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि भाई हाँ ये इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो सुपर टाइप सब टाइप का है और जो उसका सारा मीनिंग है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके जहन में आ जाएगा तो इसको देखें ऑब्जेक्टिव था कि आप अपने जो डाटा मॉडल है जो आपका टूल है उसको आप ज्यादा रिचर बनाएं लेकिन साथ ही बात ध्यान में रखिएगा कि एक कंस्ट्रेंट भी दूसरी साइड पे है कि आप इसमें इतने ज्यादा सिंबल इन्वॉल्व ना कर लें कि पता चले कि आपके टूल में पचास मुख्त फिगर हैं अब यही देखने के लिए कि इस फिगर का मतलब क्या है आपको एक अलग से टेबल की जरूरत है अलग से कंप्यूटर की जरूरत है नहीं सिंबल्स आपने अभी तक देखा कि दो तीन चार मुख्त सिंबल हैं उन्हीं के मतलब से यू रिप्रेजेंट डिफरेंट सिचुएशन और सुपर सब टाइप सब टाइप के लिए आपके पास एक अलग से डिफरेंट सिंबल हैं जो कि आप आगे देखेंगे इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे जो डायग्राम नजर आ रही है इसमें आप देखिए कि जो आपके सामने ऊपर एक दिखाई गई है जो आपके पास एंट्री टाइप उस पर लिखा हुआ है सुपर टाइप और नीचे जो आपको डिफरेंट नजर आ रही है मुख्तिफ एंट्री टाइप्स वो है सब टाइप और उनके अंदर लिखा हुआ है सब टाइप वन सब टाइप टू सब टाइप थ्री जो आपके पास ऊपर एंटी टाइप है जो कि सुपर टाइप है उसको एज जनरल एंटी टाइप भी कहा गया है और जो आपके पास नीचे सब टाइप्स हैं उनको आपने स्पेशलाइज एंटी टाइप भी कहा हुआ है इसमें आप एक और चीज नोट कीजिए कि जो आप इसके लिए सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है अब आप एक चीज नोट करें कि सुपर टाइप साइड पर ऊपर की साइड पर हमारे पास सिर्फ एक एंटी टाइप है और नीचे जो है वो मल्टीपल हैं उसमें दो तीन चार और जितनी भी आप आइडेंटिफाई करते हैं उस एनवायरमेंट में उतनी उसमें सब टाइप्स होंगी सिंबल के तौर तो पे अगर आप देखें तो यू यूज ए सर्कल आपने उनको आपस में लिंक किया और उसके बाद तमाम जो आपकी सब टाइप्स हैं उनको आपने लिंक किया हुआ है उस सर्कल के साथ और आपको एक आर्क भी नजर आ रहा है जिसके जो एजेस है वो सुपर टाइप ऊपर की साइड पे हैं तो ये आप एक रिप्रेजेंटेशन लेते हैं ये सिंबल्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं सुपर टाइप सब टाइप के लिए मिसाल के तौर तो पर अगर आप दूसरी तरफ देखें तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है पर्सन और उसकी जो आपने वो पर्सन को शो किया हुआ आपने एज ए सुपर टाइप और जो उसकी सब टाइप्स हैं वहां आपने शो किया हुआ है स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर इसमें क्या आप कह रहे हैं कि जो आपका पर्सन है वो सुपर टाइप है और जो स्टूडेंट है और फैकल्टी मेंबर्स हैं वो उसकी सब टाइप्स हैं या यूं कहें कि जो आपका पर्सन है वो एक जनरल एंट्री टाइप है और स्टूडेंट और फैकल्टी जो है वो आपके स्पेशलाइज्ड एंटी टाइप्स हैं डियर स्टूडेंट्स जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि जो आपके पास सुपर टाइप सब टाइप का रिलेशनशिप है वो भी बेसिकली एक टाइप का रिलेशनशिप ही है बस उसका एक खास मतलब है इसलिए उसको हमने अलग से नाम ले दिया यही सूरत हाल है सुपर टाइप और सब टाइप्स की इफ़ यू लुक एट दैम इंडिविजुअली ईच वन ऑफ दैम इज एन एंटी टाइप एज एन एज एज एट सेल्फ वो एक नॉर्मल एंटी टाइप की तरह से एक एंटी टाइप है जिसको हमने कहा सब टाइप या सुपर टाइप क्यों कहा ओनली ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट इन दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप यानी सुपर टाइप सुपर टाइप है बिकॉज दैट इज इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप अगर हम उसको इस रिलेशनशिप से हटके देखें देन दैट इज एन एंटिटी टाइप इसी तरह जो सब टाइप है सब टाइप जो है वो सब टाइप क्यों है क्योंकि वो इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के अंदर तो हम उसको सिर्फ इसी रिलेशनशिप के रेफरेंस से सब टाइप कहेंगे अदरवाइज इट्स जस्ट लाइक ए नॉर्मल एंटीटी टाइप तो इसलिए आप ये में कन्फ्यूज आइएगा कि यह कोई उससे अलग की चीज है नो दे आर जस्ट नॉर्मल एंटी टाइप्स इसके अलावा ये के, आ, एक सुपर टाइप की कितनी सब टाइप्स होंगी अगेन यू आर नो वान्टू डिसाइड इट योर नो वांट टू डिकटेट इट राधर यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू आइडेंटिफाई दिस के इस एन्वायरमेंट के अंदर एक खास एंटी टाइप की जो है वो कितनी सब टाइप्स होंगी या किस को हम सुपर टाइप डिक्लेयर करेंगे कितनी उसकी सब टाइप्स होंगी ये प्रोसेस है ये हम करेंगे कैसे इसको हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे अभी आपके लिए सिर्फ इतना जाना ज़रूरी है कि हमारे पास सुपर टाइप और सब टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के एंड टाइप्स हैं जिनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का डियर स्टूडेंट्स दिस इज नाट टाइम टू वाइंड अप टूडेज लेक्चर आज के लेक्चर में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट और टेक्निकल पॉइंट ई आर डाटा मॉडल का जिसे कहना चाहिए कि जो कि उसकी बुनियादों में से या उसके बेसिक्स में से एक है वो है कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशनशिप्स हमने उसको डिस्कस किया कर्नलिटी क्या होती है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर करते हैं एक ख़ास नोटेशन उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया क्योंकि हम अपने आइंदा लेक्चर्स में इस कोर्स के बाकी हिस्से के दौरान हम उस नोटेशन को इस्तेमाल करेंगे uh, किताबों में जो मुख्तु नोटेशन मिलती हैं उनको भी हमने डिस्कस किया और आपस में उनको रिलेट किया कि जो नोटेशन हम लोगों ने अडोप्ट की है और जो दूसरी हैं उनमें आपस में क्या क्या लिंक है इसके अलावा फिर हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि वट इज़ द फंक्शनैलिटी वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रोल ऑफ द एंटी टाइप्स इन ए रिलेशनशिप और इसके बाद जो चीज़ हम हमने डिस्कस की है वो हम जो इन्हेंसमेंट्स हैं ई आर डाटा मॉडल के अंदर और उसमें ख़ास तौर पर जो हमने चीज़ डिस्कस की है वो सुपर टाइप सब टाइप रिलेशनशिप है अभी तक हमने जो चीज़ फाइनली डिस्कस की है वो ये है कि कोई एंटी टाइप्स जो है उनको आप सुपर टाइप डिक्लेयर करते हैं और उसकी डिफरेंट सब टाइप्स हो सकती हैं और इसको रिप्रजेंट करने के लिए ई आर डाटा मॉडल में कौन कौन से सिंबल इस्तेमाल होते हैं सुपर टाइप सब टाइप रिलेशनशिप पे वी नीड टू डिस्कस मोर एंड दैट विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर इनशाला चाहूंगा अल्लाह हाफिज